नमस्कार, लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइटल देखकर आप लोग अनुमान लगा ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के इस लाल बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप पर समय पर पहुँच सके। दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ भारत सहित दुनिया भर में जंग जारी है। एक तरफ इसके प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इसके लिए गहन प्रयास कर रहे हैं। उन्हें इसमें सफलता भी दिखाई देने लगी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों को इस वायरस से हो रही कोविड 19 बीमारी के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबायोटिक को बनाने में सफलता मिली है। जी हाँ, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं को उत्साहजनक सफलता मिली है। उन्होंने सक्षम कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित कर ली है, जो कोविड 19 से लड़ने के लिए पर्याप्त एंटीबायोटिक बनाने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वैक्सीन इंजेक्ट करने के 2 हफ्तों में ही वायरस को बेअसर करने में सक्षम होगा। इस वैक्सीन का प्रयोग शोधकर्ताओं ने अभी चूहों पर किया था, जिसमें उन्हें बहुत ही उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। अध्ययन में इस शोधकर्ताओं ने बताया कि अब वे अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इस वैक्सीन को अगले कुछ महीनों में मानवीय परीक्षण के पहले दौर के लिए इजाजत ले रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आवेदन भी दे दिया है। गौरतलब है कि दुनिया भर में इस बीमारी से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीमारी की वैक्सीन के लिए पहला मानवीय परीक्षण पिछले महीने सिएटल में हुआ था। इसके अलावा दुनिया भर में शोधकर्ता इस बीमारी की वैक्सीन के लिए शोध कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के शोध में ये पहला अध्ययन है जो प्रकाशित हुआ है। लाइव न्यूज की रिपोर्ट।